वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ व्रत में खाने वाली चटपटी सी चाट। तो चलिए शेयर करते हैं कि हम चाट को कैसे बनाते हैं व्रत में खाने वाला। आपका बहुत ही मन ख़राब हुआ है व्रत में, तो आप इसे खाएंगे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसे। देर ना करते हुए यहाँ पर दिखाते हैं कि मैंने लिया है क्यूब्स में काट के पनीर लिया है, 150 ग्राम पनीर लिया है मैंने, थोड़ी सी धनिया की पत्ती, हरी मिर्च और आधा नींबू लिया है, और यहाँ पे मैंने मखान और मूंगफली ली है, और ये लिया है काली मिर्च। तो मात्रा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिया कढ़ाई। कढ़ाई में सबसे पहले मैं रोस्ट करूँगी मूंगफली को, जो कि ड्राई रोस्ट करना है मुझे मूंगफली। इसे सेंगदाना भी बोलते हैं, तो इसको जो है हम रोस्ट कर लेंगे। ये बहुत ही टेस्टी, व्रत में अगर आपका मन फीका है, कुछ चटपटा सा खाने का मन है, आप इसे खाएंगे तो हेल्दी और टेस्टी दोनों भी दोनों होगा। तो चलिए दिखाते हैं आप लोग को, आप मेरे वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। तो ये देखिए मेरी मूंगफली भुन गई है अच्छे से, बढ़िया रोस्ट हो गई। मैंने मीडियम फ्लेम पर भुनी है, बहुत हाई फ्लेम पर नहीं भुनना, नहीं तो मूँगफली जल जाएगी और पकेगी नहीं। तो इसे थोड़ा सा धीमी आंच पे भून लेना है अच्छे से। तो मैंने यहाँ मूंगफली भून लिया है। अब मैं इसमें डालूँगी 1 बड़े चम्मच घी, ये व्रत के लिए बना रही हूँ। तो यहाँ पे जो है इसे फ्राई कर लेते हैं। अगर आप चाहे तो, अगर व्रत के लिए ना हो तो आप रिफाइंड ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर घी में तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो ये मैं इसे फ्राई कर लेती हूँ 1 से 2 सेकेंड तक, ज़्यादा देर नहीं फ्राई करना है। बहुत ही बढ़िया से इसका कलर आ जाता है, हल्का सा पिंक कलर का। इसे देखिए कलर बहुत ही बढ़िया आ गया है। तो अब इसे निकाल लेते हैं। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा काजू और बादाम भी ऐड कर सकते हैं, पर मैंने नहीं ऐड किया है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा घी डाल दिया है, थोड़ी सी इसमें धनिया की पत्ती डाल दे रही हूँ, क्योंकि घी में धनिया की पत्ती भूनने से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। जब हम तड़के में धनिया की पत्ती डालते हैं, हरी मिर्च भी मैंने डाल दी है। इन दोनों को 1 से 2 सेकंड तक ऐसे चलाते हुए भून लेंगे। तो यहाँ पे मैंने पनीर जो ली थी, पनीर को भी इसी में डाल के फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा घी डाल के नहीं फ्राई करना है, बहुत कम घी में मैं फ्राई कर रही हूँ, ताकि हेल्दी भी हो और टेस्ट भी आए, और ज़्यादा हैवी भी ना हो जाए, क्योंकि कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा घी खाना पसंद नहीं होता। तो इसलिए जो है उनको ध्यान में रखते हुए मैं इस चाट को बना रही हूँ। तो ये देखिए हल्का सा गोल्डन हो गया। तो मैं इसी में मूंगफली के थोड़े बहुत छिलके निकाल दिए, थोड़े लगे हुए थे, तो मैंने इसमें मूंगफली और मखान फिर से ऐड कर दिया है। और यहाँ पे मैं डालती हूँ भुना पिसा जीरा, और यहाँ पे मैं काली मिर्च का पाउडर डालती हूँ। इन दोनों को डाल के अच्छे से मिला लेती हूँ। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत जल्दी से नाश्ता तैयार हो जाता है। तो मैं थोड़ी सी काली मिर्च और डालती हूँ, क्योंकि इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है काली मिर्च का। तो हम व्रत में इसमें नमक नहीं खा रहे हैं, तो नमक नहीं ऐड कर रहे हैं। अगर आप लोग नवरात्रि में बनाए इसे तो नमक डाल लीजिए, सीधा नमक, तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा इसमें। और हल्का सा मैं इसमें नींबू निचोड़ूंगी, ज़्यादा नहीं, 2 से 3 बूंद गिराऊंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा खट्टा अच्छा नहीं लगेगा। तो ये देखिए मेरा बन के रेडी हो गया। तो मैंने इसको चाय के साथ निकाला, हल्का सा ड्राई पुदीना डाल दिया है। तो ये देखिए मेरा बनके तैयार है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।